टुडे वी विल स्टार्ट विद सम नंबर 9 जर्नल का 9th प्रॉब्लम। पहला जो ट्रांजैक्शन है, मंथ आपको दिया है जनवरी, तो डेट कॉलम जो है, डेट कॉलम में आपको मंथ लिखना है जैन। पहला जो ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000 एंड लोन फ्रॉम विजय 5,000। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000 एंड लोन फ्रॉम विजय 5,000। इसके अकाउंट जो है, तीन अकाउंट है, कैश अकाउंट, बिजनेस जो है बिजनेस के लिए बोल रहे कैपिटल अकाउंट, एंड तीसरा विजय इज लोन अकाउंट। पहला जो ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000, तो एक अकाउंट लिया है कैश अकाउंट, बिजनेस जो है बिजनेस के लिए बोर्ड लिखा है कैपिटल अकाउंट, लोन फ्रॉम विजय, लोन फ्रॉम विजय इसके लिए विजय इज लोन अकाउंट टाइप, कैश जो है कैश इज रियल अकाउंट, कैपिटल दिस इज पर्सनल अकाउंट, विजय इज लोन दिस इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट, कैश इज रियल अकाउंट, कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन। कैपिटल जो है ये बिजनेसमैन का पर्सनल अकाउंट है, लोन फ्रॉम विजय इज लोन अकाउंट दिस इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। कैश को क्या करना है, कैश को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, कैश अकाउंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट कार्ड कम से, तो कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, तो कैश अकाउंट विल बी गिवन डेबिट बिकॉज इट इज कमिंग इन, वेयर द कैश इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस। कैपिटल जो है, कैपिटल को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, कैपिटल इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन, कैपिटल किसका अकाउंट है, ये बिजनेसमैन का पर्सनल अकाउंट है, तो यहां पे बिजनेसमैन जो है, बिजनेसमैन ही इज द गिवर, कैपिटल को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट द गिवर, बिजनेसमैन हैज गिवन कैश, बिजनेसमैन हैज गिवन कैश टू द बिजनेस, तो कैपिटल को पर्सनल का रूल कौन सा अप्लाई करेंगे, क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर हियर, बिजनेसमैन इज द गिवर, बिजनेसमैन जो है ये गिवर है, व्हाट बिजनेसमैन इज गिविंग कैश टू द बिजनेस, तो कैपिटल को रूल अप्लाई करेंगे क्रेडिट द गिवर, बिजनेसमैन ने क्या किया, बिजनेसमैन ने कैश उसके बिजनेस को दिया है, तो कैपिटल को रूल अप्लाई किया क्रेडिट द गिवर। विजय इज लोन, ये भी पर्सनल अकाउंट है, ट्रांजैक्शन दिया है लोन फ्रॉम विजय, वी हैव टेकन लोन फ्रॉम विजय, विजय से क्या किया है, विजय से हमने लोन लिया है, तो विजय ही गिवर है, विजय इज गिविंग लोन टू अस, विजय क्या कर रहा है, विजय हमको लोन दे रहा है, तो विजय को रूल अप्लाई करेंगे क्रेडिट द गिवर, विजय हैज गिवन लोन टू अस, विजय ने क्या किया, विजय ने हमें लोन दिया है। अब इसके अमाउंट्स की तरफ जाते हैं, ये ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट है वो इंपॉर्टेंट है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000, ये जो 10,000 रुपीज जो अमाउंट है, ये 10,000 ये आपका कैपिटल का अमाउंट है, 10,000 रुपीज दिस इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000, ये 10,000 रुपीज आपको कैपिटल के सामने लिखना है, लोन फ्रॉम विजय 5,000, तो विजय का जो लोन है, विजय
15,000. Started business with cash 10,000. ये जो 10,000 है, this is our own cash. This is our own cash which the businessman has invested in the business. ये जो cash है, ये cash, ये businessman का own cash है. Loan from Vijay 5,000. तो ये 10,000 और 5,000 loan. तो total cash जो है, टोटल कैश हो गया आपका 15,000, 10,000 प्लस 5,000, तो टोटल अमाउंट इज 15,000. इसका जर्नल एंट्री डेट कॉलम में डेट 1 कैश अकाउंट डेबिट 15,000, 2 कैपिटल अकाउंट 10,000, 2 Vijay's loan account 5,000. Cash amount है 15,000, capital है 10,000, Vijay का loan है 5,000. इसका narration being started business. Being started business with cash and loan taken from Vijay. पहला जो ट्रांजैक्शन था, started business with cash rupees 10,000. ये जो 10,000 rupees है, ये businessman का खुद का कैश है. This is the own cash of the businessman. And businessman ने क्या किया? Further उसने loan लिया, Vijay से loan लिया 5,000. Loan from Vijay 5,000. तो businessman के पास total cash कितना हुआ? उसका खुद का जो cash था, उसका खुद का cash है 10,000. And उसने loan लिया Vijay से 5,000. तो total cash जो है, total cash आ गया आपका 15,000. ये कैश के सामने लिखा है. दिस इज द टोटल कैश विच इज कमिंग इन द बिजनेस. आउट ऑफ 15,000 बिजनेसमैन का खुद का कैश जो है, बिजनेसमैन का ओन कैश है 10,000 एंड विजय का लोन है 5,000. सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेस ए डॉग फॉर कैश ₹600. परचेस ए डॉग फॉर कैश 600. यहां पे डॉग को अंडरलाइन करना है. डॉग के लिए वर्ड इतना आपको लाइफ स्टॉक, डॉग के लिए वर्ड इतना है लाइफ स्टॉक. तो ये जो सेकेंड ट्रांजैक्शन है, इसके दो अकाउंट्स, एक अकाउंट है लाइफ स्टॉक अकाउंट और सेकेंड अकाउंट है कैश अकाउंट. ट्रांजैक्शन है परचेस ए डॉग फॉर कैश. तो डॉग जो है, डॉग है, तुमने एनिमल परचेस किया है, तो एनिमल के लिए आपको अकाउंट लिखना है लाइफ स्टॉक. तो एक अकाउंट है लाइफ स्टॉक, सेकेंड अकाउंट है कैश. ये दोनों रियल अकाउंट है, लाइफ स्टॉक अकाउंट एंड कैश अकाउंट, दे बोथ आर रियल अकाउंट. इसको रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो लाइफ स्टॉक जो है, लाइफ स्टॉक दिस इज कमिंग इन. परचेस ए डॉग तो लाइफ स्टॉक इज कमिंग इन. तो लाइफ स्टॉक को डेबिट बिकॉज इट इज कमिंग इन. एंड कैश जो है, कैश को रियल का रूल अप्लाई करेंगे, कैश अकाउंट को रियल का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज अप. तो कैश जो है, कैश इज गोइंग अप. तो जर्नल एंट्री जो है, डेट 2 लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट, 2 कैश अकाउंट 600.
the narration. Train, dog, purchased for cash. Narration jo hai, narration is ka dog purchased for cash. So animal jo hai, तो एनिमल के लिए आपको वर्ड लिखना है लाइव स्टॉक. नैरेशन जो है नैरेशन है डॉग परचेस फॉर कैश. Third transaction, goods of rupees 3000 were distributed as free samples. Underline the word free samples. Goods of rupees 3000 distributed as free samples. Free sample, इसके लिए word लिखना है advertisement. Free sample के लिए word आपको लिखना है advertisement. तो ये third transaction के दो accounts. एक अकाउंट है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, सेकेंड अकाउंट है गुड्स अकाउंट. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. तो फ्री सैंपल के लिए वर्ड है एडवर्टाइजमेंट. एंड व्हाट यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स. तो सेकेंड अकाउंट लिखा है गुड्स अकाउंट. टाइप एडवर्टाइजमेंट जो है एडवर्टाइजमेंट दिस इज नॉमिनल अकाउंट. एडवर्टाइजमेंट ये नॉमिनल अकाउंट है. गुड्स जो है गुड्स ये रियल अकाउंट है. एडवर्टाइजमेंट दिस इज नॉमिनल, गुड्स अकाउंट इज रियल. एडवर्टाइजमेंट को क्या करना है, नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. एडवर्टाइजमेंट को नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे. तो नॉमिनल का ये जो रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये जो रूल है, ये रूल आपको एडवर्टाइजमेंट को अप्लाई करना है. एडवर्टाइजमेंट जो है एडवर्टाइजमेंट दिस इज एक्सपेंस. एडवर्टाइजमेंट जो है एडवर्टाइजमेंट ये एक्सपेंस है. तो इसको रूल अप्लाई करके डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ये एडवर्टाइजमेंट को अप्लाई करेंगे. गुड्स अकाउंट ये रियल है तो गुड्स को रियल का रूल अप्लाई करेंगे. क्रेडिट वर्ड गोज अप. गुड्स जो है गुड्स आर गोइंग अप. गुड्स ऑफ रुपीज 3000 वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड. तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड तो गुड्स आर गोइंग अप. द गुड्स विल बी गिवन क्रेडिट. यहां पे रूल अप्लाई किया गुड्स आर गोइंग अप. जर्नल एंट्री डेट 9. एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट. एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट 3000. इसका नरेशन बी गुड्स distributed as free samples. Narration जो है narration इसका being goods distributed as free samples. Fourth transaction. Fourth transaction है placed an order for goods. Placed an order for goods rupees 100 with Ravi.
ट्रांजैक्शन जो है ट्रांजैक्शन है प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स रुपीज 100 विद रवि। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे आपने रवि जो है रवि को हमने गुड्स सप्लाई करने का से ऑर्डर प्लेस किया है, प्लेस्ड एन ऑर्डर। रवि जो पर्सन है रवि को हमने गुड्स सप्लाई करने के लिए ओनली ऑर्डर हैज बीन प्लेस। रवि हैज नॉट येट गिवन, रवि हैज नॉट येट गिवन गुड्स टू अस एज पर द ऑर्डर प्लेस। रवि ने क्या किया, रवि ने अभी तक हमें 100 रुपीस के जो गुड्स है, रवि ने अभी तक 100 रुपीस के गुड्स हमें सप्लाई किए नहीं है। रवि हैज नॉट येट गिवन, रवि हैज नॉट येट गिवन गुड्स टू अस एज पर द ऑर्डर प्लेस। यहां पे क्या हुआ है, प्लेस्ड एन ऑर्डर, प्लेस्ड एन ऑर्डर, आपने सिर्फ रवि को ऑर्डर प्लेस किया है। तो प्लेसिंग एन ऑर्डर, प्लेसिंग एन ऑर्डर इट इज नॉट ए ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, इट इज नॉट ए ट्रांजैक्शन बिकॉज रवि हैज नॉट येट गिवन गुड्स टू अस। तो इसका जर्नल एंट्री हम कभी करेंगे, इसका जर्नल एंट्री होएगा when Ravi will give the goods to us, when Ravi will give the goods to us as per the order placed, जब हमें रवि ये actually 100 rupees के goods देगा, on that day journal entry will be recorded, placed an order for goods rupees 100 with Ravi, Ravi को क्या किया, Ravi को हमने सिर्फ order placed किया है, Ravi has not yet given, Ravi has not yet given goods to us. रवि ने अभी तक हमें ये 100 रुपीस के गुड्स सप्लाई किए नहीं है। तो जब तक ये रवि हमें गुड्स सप्लाई नहीं करता तब तक इस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री होएगा नहीं, तो इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। इसका जर्नल में आपको रीजन लिखना है, जर्नल में आपको रीजन लिखना है, डेट है 18, प्लेसिंग एंड ऑर्डर For goods, placing an order for goods is not a transaction. Placing an order for goods is not a transaction, and therefore. जर्नल एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड, आपको जर्नल में पर्टिकुलर स्कॉल में लिखना है प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर गुड्स इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर गुड्स is not a transaction and therefore journal entry is not recorded. तो इसका जर्नल में एंट्री क्यों नहीं किया, रवि ने क्या किया, रवि ने हमें 100 रुपीस के जो गुड्स है, रवि ने 100 रुपीस के गुड्स अभी तक हमें सप्लाई किए नहीं है, हमने उसको क्या किया, हमने उसको सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है। तो इसका जर्नल एंट्री कभी करना है, when Ravi will give the goods to us as per the order place. रवि से हमें 100 रुपीस के गुड्स जब एक्चुअली हमें रिसीव होंगे ऑन दैट डे इसका जर्नल एंट्री होएगा। तो प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर गुड्स नॉट ए ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इशूड ए चेक टू जॉन 5000, यहां पे इशूड को अंडरलाइन करना है, इशूड का मीनिंग लिखना गिवन, इशूड मीनिंग इज गिवन, वी हैव गिवन चेक टू जॉन रुपीज 5000, चेक को अंडरलाइन करना है, चेक को वर्ड लिखना है बैंक, चेक को वर्ड लिखना है बैंक अकाउंट। तो इशूड ए चेक टू जॉन 5000, हमने क्या किया, हमने जॉन को 5000 रुपीस का चेक दिया।
हमको 5000 रुपीस का चेक हमने दिया है, तो इसके दो अकाउंट, एक अकाउंट है जॉन अकाउंट, सेकंड अकाउंट है बैंक अकाउंट, जॉन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ये दोनों पर्सनल अकाउंट है, बोथ आर पर्सनल अकाउंट। इशूड चेक टू जॉन, तो जॉन अकाउंट है बैंक अकाउंट, बोथ आर पर्सनल अकाउंट। इसको पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जॉन जो है जॉन ये रिसीवर है, जॉन जो है जॉन ये रिसीवर है, तो जॉन का रूल अप्लाई करेंगे डेबिट द रिसीवर, जॉन जो है जॉन ये रिसीवर है, बैंक को रूल अप्लाई करेंगे, बैंक को रूल अप्लाई करेंगे क्रेडिट गिवर, तो बैंक जो है बैंक ये गिवर है, बैंक इज गिवर, बैंक विल गिव दिस 5000 रुपीस टू जॉन, जॉन को 5000 रुपीस कौन पे करेगा, जॉन को 5000 रुपीस बैंक पे करेगा, तो बैंक कौन हो गया, बैंक हो गया गिवर, जॉन इज द रिसीवर एंड बैंक इज द गिवर। इसका जर्नल एंट्री डेट 27, जॉन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका नरेशन कितना है, 6 इशूड टू जॉन, नरेशन जो है बीइंग चेक इशूड टू जॉन, जॉन को हमने क्या किया, जॉन को हमने 5000 रुपीस का चेक दिया है, तो जॉन कौन हो गया, जॉन हो गया रिसीवर एंड बैंक हो गया गिवर। सिक्स ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम कपिल रुपीज 3000 एंड ही अलाउड अस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। तो परचेज गुड्स फ्रॉम कपिल, इसके दो अकाउंट्स, एक अकाउंट है परचेसेस अकाउंट, सेकेंड अकाउंट है कपिल अकाउंट। ट्रांजैक्शन जो है परचेज गुड्स फ्रॉम कपिल, तो परचेसेस अकाउंट है कपिल अकाउंट, परचेसेस दिस इज नॉमिनल अकाउंट कपिल, पर्सनल अकाउंट। परचेसेस ये नॉमिनल अकाउंट है, कपिल ये पर्सनल अकाउंट है। परचेसेस को क्या करना है, परचेसेस को आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, परचेसेस को नॉमिनल का रूल अप्लाई करेंगे। ये जो रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये रूल आपको परचेसेस को अप्लाई करना है। परचेसेस इट कम्स अंडर एक्सपेंस, परचेसेस जो है ये एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस, ये परचेसेस को रूल अप्लाई करेंगे। और कपिल जो है, कपिल को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे क्रेडिट द गिवर, कपिल को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है क्रेडिट द गिवर। तो कपिल जो है, कपिल एक गिवर है, कपिल हैज गिवन गुड्स टू अस, परचेस गुड्स फ्रॉम कपिल 3000, ही अलाउड अस ट्रेड डिस्काउंट 10%। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है 10%, आपको ये 3000 में कैलकुलेट करना है, ये 3000 रुपीस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये कैलकुलेट करना है। 3000 इंटू 10 अपॉन 100, 300 रुपीस, ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट।
3000 पे 10% 300 रुपीस ट्रेड डिस्काउंट। ये 300 रुपीस क्या करना है, ये 300 रुपीस 3000 में से माइनस करना है। 3000 रुपीस में से 300 रुपीस ट्रेड डिस्काउंट ये माइनस करना है। परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू किशोर अकाउंट। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू किशोर अकाउंट 2700। इसका नरेशन बी, परचेस गुड्स बी, परचेस गुड्स फ्रॉम किशोर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। नरेशन जो है बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम किशोर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब है विदाउट कैश। नरेशन जो है परचेस गुड्स फ्रॉम किशोर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। लास्ट ट्रांजैक्शन है, लास्ट ट्रांजैक्शन इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल अकाउंट है। गुड्स
गुड्स को क्या करना है, गुड्स को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। गुड्स को रियल का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट वर्ड गोज अप, गुड्स आर गोइंग अप, गुड्स ऑफ 3000 लॉस्ट बाय फायर, तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो गुड्स का क्या हो रहा है, गुड्स आर गोइंग अप, तो गुड्स विल बी गिवन क्रेडिट बिकॉज दे आर गोइंग अप। इंश्योरेंस कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट द डेटर, डेबिट द डेटर, ये रूल जो है, ये रूल आपको इंश्योरेंस कंपनी को अप्लाई करना है। डेटर का जो डेफिनेशन है, डेटर का डेफिनेशन क्या है, डेटर इज ए पर्सन, डेटर इज ए पर्सन फ्रॉम हुम वी हैव टू रिसीव द मनी। डेटर का डेफिनेशन, डेटर इज ए पर्सन फ्रॉम हुम वी हैव टू रिसीव द मनी। तो इंश्योरेंस कंपनी से क्या करना है, इंश्योरेंस कंपनी से हमें ये 3000 रुपीस लेना है, इंश्योरेंस कंपनी से ये 3000 रुपीस हमें वापस लेना है। तो इंश्योरेंस कंपनी कौन है, इंश्योरेंस कंपनी है डेटर है, तो डेबिट द डेटर ये रूल इंश्योरेंस कंपनी को अप्लाई करना है। इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्या करना है, 3000 रुपीस आपको लेना है, तो बिकॉज वी हैव टू रिकवर फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 3000, तो इंश्योरेंस कंपनी बिकम्स डेटर, तो डेबिट द डेटर ये रूल मैंने इंश्योरेंस कंपनी को अप्लाई किया। इसका जर्नल एंट्री डेट 31, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 3000 टू गुड्स अकाउंट 3000। इसका नरेशन बी, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, नरेशन जो है बी, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड फुल क्लियरिंग।